कि वोटिंग लगातार जारी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2017 के नतीजे भी आपको लगातार हम बता रहे हैं, और तीसरे चरण का जो रण है वो 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदान करने लंबी लंबी कतारों में मतदाता पहुंच रहे हैं। तो न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ जुड़ रही है ब्रेकिंग सेंटर से। मोनिका, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त की क्या बड़ी खबर आपके पास है, इस वक्त हमारे दर्शकों को बताइए। बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से मिल रही है, जहां पर दौलत गांव में ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदाता पहुंचने लगे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है और यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वोटिंग रुक चुकी है। आपको बता दें हैदर कि बूथ संख्या 144 के मतदाता बेहद परेशान हैं, जो सुबह 7 बजे से कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मतदान नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से मतदाता बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां मौजूद मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। मतदाताओं का कहना है कि सुबह 7 बजे बिल्कुल ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार मोनिका आ रही हैं, और हमारे संवाददाता हमारे साथ ललितपुर से ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से लगातार ईवीएम खराब होने की घटनाएं भी आ रही है सामने? बिल्कुल, ललितपुर में भी ईवीएम मशीनें जो है खराब होने की सूचना लगातार मिल रही है। अभी आपको बता दूं कि ललितपुर विधानसभा के दौलता गांव में भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ईवीएम खराब है, लगभग 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, उसके बाद भी अभी तक मशीन ठीक नहीं की जा चुकी है। और साथ में अभी एक और खबर आ रही है, मेहरौनी के जो है गदनपुर और ककरुआ गाँव में भी बूथ संख्या 40 पर ईवीएम मशीन खराब है, जहाँ मतदान रुका हुआ है। जी तो बिल्कुल लगातार इस तरह की खबरें पहले और दूसरे चरण में भी आई थी और तीसरे चरण में भी ये कमियां लगातार जारी हैं। आखिर क्या वजह है कि ईवीएम खराब हो रही है और अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ब्रजेश, बिल्कुल अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी मैं मेहरौनी विधानसभा और ललितपुर के तालवेहर एसडीएम से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दोनों के मोबाइल जो है कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों दोनों से बात नहीं हो पा रही है अभी तक। तो बिल्कुल अधिकारियों की तरफ से बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं और इसको लेकर लगातार चिंता मतदाताओं की बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ललितपुर से ब्रजेश आपका, बहुत शुक्रिया।